Hey guys, welcome back to a new video, Ultimate GTA 5 की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में as you can see that यहाँ पे जो मेरा गेम चल रहा है GTA 5 and ये जो है मैं खेल रहा हूँ on my Android device and guys आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो गेम है ये मेरे फोन में चल रहा है और इसको इस गेम को जो है मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ और ये जो गेम है मैं खुद से कंट्रोल कर पा रहा हूँ और ये जो कंट्रोल्स है इनको जो है मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो गेम चल रहा है ये एक 3GB रैम वाले फ़ोन में चल रहा है जिसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा लो है और जो कि बहुत पुराना फ़ोन है उसके अंदर ये गेम चल रहा है और वो भी इतना स्मूथ चल रहा है और वो बिना लैग कर चल रहा है और एकदम पीसी वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दे रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दैट आप किस तरीके से जो है अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर रियल GTA 5 खेल सकते हो नो मैटर आपका डिवाइस कौन सा होता है। इफ आपके डिवाइस में 1GB रैम भी होती है तो आप इस गेम को प्ले कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक्सबॉक्स के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन कंट्रोल्स को समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, मतलब ये कंट्रोल आपके लिए नए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इनको सीखना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो गेम है वो बहुत अच्छे से चलने वाला है और कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इस गेम को जब मैंने पहली बार ट्राई किया तो मैं मेरे को बिलीव नहीं हुआ दैट ये कैसे हो सकता है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है मेरे सब्सक्राइबर को क्योंकि उसी ने मेरे को कहा था दैट आप ये वाला एमुलेटर ट्राई करो, उसके अंदर आपको जो है GTA 5 रियल देखने के लिए मिल जाएगा फ्री के अंदर। तो मैंने सोचा दैट मैं ट्राई करता हूँ इसके ऊपर, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं ऑलरेडी कि रियल GTA 5 की वीडियो बनाओ, तो सोचा कि इसके ऊपर एक बार ट्राई करते हैं, अगर ट्राई होता है तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये ट्राई हुआ भी, ये मैंने ट्राई किया भी एंड ये हुआ भी एक्चुअली रियल GTA 5 में खेल सका और वो भी फ्री में बिना कुछ प्रीमियम दिए, बिना कुछ भी यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया था और सिर्फ अपने इंटरनेट की वजह से मैं जो है इस गेम को अपने एंड्रॉइड में प्ले कर पा रहा था। आप भी प्ले कर सकते हो। एक और बात दैट यहाँ पे अगर आप रियल GTA 5 खेलना चाहते हो मेरी तरह एंड्रॉइड के अंदर तो आपको जो है आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास बहुत अच्छा है इसलिए मेरी जो पिंग है वो आ रही है यहाँ पे 75 MS, तो मेरा जो है वाईफाई लगा हुआ है। तो आपका अगर वाईफाई लगा हुआ होता है तो इट्स गुड, तो अगर आपका वाईफाई नहीं लगा हुआ होता है, आपका मोबाइल डाटा नॉर्मल लिमिट होती है और आप चाहते हो कि मैं रियल GTA 5 खेलूं तो उसमें भी आप खेल सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको क्यू में लगना पड़ेगा यानी कि आपको लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं इसलिए ज़्यादातर के पास जो मोबाइल डाटा जो रहता है वो जियो का नेटवर्क ही रहता है, तो वो जो लोग हैं वो यहाँ पे खेलते हैं और उनको क्यू में दिक्कत आती है। सब चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में, तो ये वीडियो पूरी देखते रहो। किस तरीके से क्या आपको डाउनलोड करना है वो सभी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और कोई भी फेक वीडियो नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फेक वीडियो है तो कोई फेक वीडियो नहीं है गाइस, बिल्कुल रियल वीडियो है और आपको पता है दैट मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता, जो भी बनाता हूँ रियली बनाता हूँ, ठीक है। तो ये एक रियल वीडियो है, रियल गेम चल रहा है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस एप्लीकेशन की तरफ जिसकी वजह से मैं गेम खेल पा रहा था, ठीक है, वो भी फ्री में बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। सो इस एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे चिकी एम्यूलेटर और ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साइन इन विद गूगल मैं यहाँ पे करूँगा, सबसे पहले ओपन करते ही आपको साइन इन करना होगा, ठीक है। साइन अप यहाँ पे मैं करूँगा बेसिकली, तो साइन अप मैं गूगल से कर रहा हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो लॉग इन होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में एज यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको जो है अपना निक नेम फिल करना है, आप कुछ भी फिल कर सकते हो। मेरा यहाँ पे मिस्टर सेफ्रॉन मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं मेल कर देता हूँ और फिर बर्थडे आपको कुछ डालना ज़रूरी नहीं है, बर्थडे डेट आपकी जो भी है कुछ डालना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में जैसे आप ऐप ओपन करोगे आपको एक गिफ्ट मिलेगा तो आपको इसे गेट इट कर देना है, ठीक है। गेट इट करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे ना, इन पॉइंट से आप गेम खेल पाओगे, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं तो आप ऐड देख करके जो है पॉइंट्स को ले सकते हो, ठीक है। और एक अच्छी बात, अगर न्यू अकाउंट बनाते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर आप नया अकाउंट बनाओगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उससे आप गेम खेलोगे। GTA 5 आपको दिख जाएगा यहाँ पे, GTA 5 पे देख सकते हो 229,000 यहाँ पे लाइक्स हो चुके हैं इनके, इतने सारे यूजर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप प्ले के बटन पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पे प्ले बाय योर सेल्फ पे क्लिक करोगे, नेटवर्क डिटेक्शन आएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है मैंने
नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे बता रहा है गुड गेमिंग एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करता हूँ उसके बाद में इन द नॉर्मल क्यू यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मेरा फास्ट होगा इंटरनेट कनेक्शन तो यहाँ पे एक मिनट के अंदर मुझे जो है मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल गई है लगभग लगभग कुछ ही सेकंड में, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एंटर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ आपको एक एड देखने को मिलेगा जो कि एक दो सेकंड का होगा, ठीक है। क्लोज कर दो एंड यहाँ पे आपको गेम चालू हो जाएगा। जी हाँ गाइस, आपका गेम यहाँ पे चालू हो चुका है, रियल GTA 5 चालू हो चुका है, और इस गेम को मैं खेल पा रहा हूँ अपने एंड्रॉइड में। कोई भी आपको यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़े, कोई भी आपको प्रीमियम नहीं देनी पड़ी, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं देना होगा। बस यहाँ पे आपको एक दो सेकंड का एड देखना है और आपका गेम चालू हो जाएगा। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इफ़ वो पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया दैट आप एड्स देख करके जो है उन पॉइंट्स को अगेन ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेरा गेम चालू हो गया, मैं स्टोरी मोड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ एक को दबा करके, ठीक है। ये एक्सबॉक्स के कंट्रोल्स है तो आपको थोड़ा सा इनको सीखने में टाइम लगेगा, इनको आप एडिट भी कर सकते हो। तो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कंट्रोल्स के ऊपर तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हो। एंड हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको जो है नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो। और यहाँ पे GTA 5 लोड हो रहा है, मैं वीडियो स्किप नहीं करूंगा बिल्कुल भी, जो है आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग स्टोरी मोड में कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऑनलाइन भी खेल सकते हो, बहुत सारे लोग ऑनलाइन खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस आपका गेम चालू हो चुका है, स्टोरी मोड ओपन हो चुकी है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको जो स्टोरी दिखाई जा रही है, आर्ट डिटेक्टर जो भी लाइक GTA 5 की स्टार्टिंग स्टोरी होती है वो दिखाई जा रही है। देन इसको मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। यहाँ पे मैं जैसे स्किप करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे गाइस आपका जो गेम है वो ओपन हो चुका है, आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हो, नॉर्मल जॉयस्टिक आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, एज से जो है मैं मूव कर पा रहा हूँ अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इरिटेट हो रहा है। आपको वॉल्यूम नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने अभी म्यूट कर रखा है वीडियो को, क्योंकि अगर मैं गेम की वॉल्यूम तेज कर दूंगा तो मेरी वॉल्यूम नहीं आएगी फिर आपको। सो यहाँ पे आप देखोगे दैट यहाँ पे मैं ये वाली कार में बैठा हूँ, एंड अब जो है एकदम रियल GTA 5, कोई भी चीज़ यहाँ पे स्किप नहीं देखने के लिए मिलेगी, ऐसा नहीं है दैट आपको कोई कट सीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कोई सीन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए देखो, मेरे को फर्स्ट टाइम है ना, मेरे को बहुत दिक्कत आई थी इसको कंट्रोल करने में। देन मुझे पता लगा दैट यहाँ पे RT से जो है कार मूव होती है, देन यहाँ पे जो नॉर्मल जॉयस्टिक आपको मिलती है उससे आप जो है कंट्रोल कर पाते हो अपनी कार को, ठीक है। तो ये पहली बार में आपको दिक्कत होगी, मेरे को भी स्टार्टिंग में कंट्रोल समझ भी नहीं आए थे इसके, दैट इसमें करना क्या है, कार कैसे चलानी है, मेरे को वो भी नहीं आया था क्योंकि एक्सबॉक्स के कंट्रोल को मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया यार, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं सीख गया था स्टार्टिंग में, खुद ट्राई कर करके सब बटन्स को ट्राई किए थे मैंने, कौन कौन सा वर्क कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं सीख गया था। आप भी सीख लोगे, कोई इशू नहीं है, आपको बहुत ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। दैट आपको अपनी पिंग देखने के लिए मिल जाएगी, सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी, कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे जो आपको 3 बटन दिख रहा है ना, इससे आप सेटिंग को ओपन कर सकते हो GTA 5 की, एंड ग्राफिक सेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा आगे जाके, फिलहाल अभी के लिए मोटा मोटा ये समझ लो दैट आप जो है इस एक एम्यूलेटर की वजह से अपना रियल GTA 5 अपने एंड्रॉइड के अंदर खेल सकते हो, और पूरा का पूरा 100% ये गेम आपका चलेगा। एंड मैं यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ऐसी वीडियो बनाने के लिए अपने चैनल पर, आज तक मैंने ऐसी वीडियो बनाई नहीं है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को सपोर्ट दोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और हाँ आगे भी ऐसी वीडियोज आएगी इससे रिलेटेड, और भी एडवांस वीडियो में और डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में। तो अगर आप देखना चाहते हो वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो, डोंट फॉरगेट, भूलना बिल्कुल मत। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय।